क्या भैया? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। वेरी वेल, आप कैसे हो? लॉन्ग टाइम। सर ये साइड में जाओ, इस साइड। अच्छा, इधर से आ इस साइड में से अपर ये रुके सर, बदम सर थोड़ा सा पीछे चाहिए। आई एम इन द गीत के बारे में क्या बोलना चाहिए? I'm very happy for Elvis. वो मेरा फेवरेट था, सो आई फील ये डिजर्विंग विनर बना है। बट मेरे दोनों ही थे बहुत फेवरेट थे, अभिषेक एंड एल्विश। सो लाइक आई सेड इन द सोशल मीडिया कि दोनों में से कोई भी जीते तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो आई फील वेरी हैप्पी फॉर एल्विश। भाई कुछ लोगों का कहना है कि अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई है, क्योंकि अभिषेक ने पूजा भक्त से थोड़ा मतभेद जो था उसकी वजह से अभिषेक को नहीं जिताया गया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता। आई फील इट्स अ रियलिटी शो, सो रियली आपको दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके हाथों में वोटिंग नहीं होती है मेकर्स की। मेकर्स आर वेरी प्रोफेशनल, सो आई डोंट थिंक सो दे विल डू एनीथिंग लाइक दैट ऑल इफ एनीबडी गोज अगेंस्ट लाइक पूजा भट्ट। सो वो उसके साथ ऐसा हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एल्विश को जो उसके फैंस ने जिताया है एल्विश को, सो उसमें मेरे हिसाब से सबकी जीत हुई है, बिकॉज ये सीजन काफ़ी हिट हुआ है। सो चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो देविका हो, या फिर अभिषेक और एल्विश, आई थिंक दे ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो उस बारे में सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना है कि राइट। फिनाले में पूजा भट्ट ने जैसे अपने विचारों को व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अगर एल्विश हैं तो वो अपनी ट्रॉफी दे सकते हैं, मगर अभिषेक होते तो वो नहीं देते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा भट्ट के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी वो अभिषेक के प्रति जो उनकी देखो मलाल तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति उस घर में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं सबके मन में रह ही जाता है। ऐसा नहीं है, पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हेट्रेड स्टेज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसे लंबे समय के लिए नहीं रहता। सो बाकी अगर रही बात एल्विश की जीत की, तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत सॉलिड है, और उसको उसके फैंस ने जिताया, तो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सब मज़े में, ठीक हो आप लोग? भाई इधर, स्ट्रेट लेफ्ट, सही लेफ्ट। थैंक यू भाई। फॉर इट, वेरी अच्छा शॉट, ऑल वेल। बारिश आने वाली है, आप लोग भागो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।